अगर आपके पास में क्वेश्चन है फाइंड कॉमन फैक्टर्स या उभयनिष्ठ गुणनखंड ऑफ 12 एंड 16, तो सर सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा? सबसे पहले आपको इस 12 के फैक्टर्स पता होने चाहिए, इसके साथ में आपके पास में 16 के फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, गुणनखंड या फैक्टर्स। वैसे अगर ये दोनों नंबर आपके पास में छोटी संख्याएं हैं तो आप इजीली पता भी कर सकते हो कि सर अगर हमें 12 के फैक्टर्स लिखने होंगे तो कौन कौन से लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अगर 16 के लिखना चाहूँ तो आपको पता है सर 1 का डिवाइड होगा, 2 का होगा, उसके बाद में 4, फिर 8, और 8 के बाद में कौन सा आ जाएगा सर, 16 आ जाएगा। लेकिन मान लो कि कोई स्टूडेंट को नहीं पता तो क्या करेंगे सर? सबसे पहले मान लो कि अगर आपको 12 का नहीं पता होता तो फिर क्या करते, सबसे पहले हम 12 का एलसीएम करते, है ना? मैं आपको दोनों यहाँ से सिखा देता हूँ। अगर मान लो कि आपको नहीं पता होता तो आप कैसे करते सर? सबसे पहले हम क्या करते, 12 का एलसीएम करते, है ना? सबसे पहले क्या करना होगा हमें, सबसे पहले इस 12 का एलसीएम करना होगा। तो 12 का एलसीएम कैसे करते हैं सर? 2 का डिवाइड करते हैं 6 टाइम, 2 का डिवाइड करते हैं 3 टाइम, 3 का डिवाइड करते हैं 1 टाइम। तो कितना आ जाएगा सर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से आ जाएगा। तो इसका बॉक्स तो यही रखना है, ध्यान रखना। तो सर ये हमें पता चल गया कि इसका बॉक्स, अब ध्यान रखो अगर आपको इसके बाद में अगर इसके पता करने होंगे तो कैसे करेंगे सर? सबसे पहले 12 का पता करना है तो 12 में सबसे पहले 1 का तो डिवाइड होगा, कितनी टाइम होगा, 12 टाइम। 1 के बाद में आप नंबर कौन सा आता है, 2, क्या वो 2 आप इस बॉक्स में से बना सकते हो? हाँ सर बना सकते हैं, अभी तो 2, तो ये सर 2 बना। अब इस 2 का इस 12 में डिवाइड करो, कितने टाइम होगा सर, 6 टाइम। क्या इसमें से 2 तो हो गया, अब 2 के बाद में 3 बन रहा है इस बॉक्स में, हाँ सर अभी 3 भी बन रहा है, तो 3 का डिवाइड कितनी टाइम सर, 4 टाइम। क्या इसमें 4 बन रहा है, हाँ सर 4 बन रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का कितने टाइम होगा, 3 टाइम। जैसे आपने 4 मल्टीप्लाई 3 लिखा तो आपने कहा कि सर ये तो रिपीटेशन हो गया, और जहां भी रिपीटेशन हो जाता है, जहां भी हमारे पास में रिपीटेशन हो जाएगा, हम क्या करेंगे, वहीं पे सबसे पहले उस रिपीटेशन को होते हम रोक देंगे अपने, उसके आगे आपको कभी भी नहीं जाना है, जहां पर रिपीटेशन हो जाए आपको वहीं पे रोक देना है, रिपीटेशन से आगे नहीं बढ़ना, इस बात की ध्यान रखना। तो सर रिपीटेशन हो गया, इसका मतलब कि हमारे पास में इसके फैक्टर्स कौन से हो गए, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये हमारे क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। तो ये हमारा पहला मेथड। अब अगर इसी तरह 16 के पता करने हो तो सबसे पहले 16 का एलसीएम करेंगे, 16 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा सर, 2 का किया 8 टाइम, 2 का किया 4 टाइम होगा, 2 का फिर से डिवाइड 2 टाइम, और फिर से 2 का डिवाइड 1 टाइम होगा, कितना आया सर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये रहा सर, इसको बना दो बॉक्स के अंदर। अब क्या करना है सर, अब हमें सबसे पहले 16 लिखना है, 16 में आप सबसे पहले पता है कि सर 1 का डिवाइड होता है तो कितनी टाइम सर, 16 टाइम, क्योंकि 1 का तो सब में डिवाइड होता है। 1 के बाद में आता है 2, क्या इस बॉक्स में से 2 बना सकते हो, हाँ सर 2 बना सकते हैं, कितनी टाइम डिवाइड होगा सर, 8 टाइम, इस 16 में डिवाइड करना है। 2 के बाद में 3, 3 बनेगा इसमें से, नहीं बनेगा। 3 के बाद में 4, हाँ सर 4 बन जाएगा, अभी यहाँ लिखा हुआ है 4, तो ये लो सर 4 लिखा, 4 का कितने टाइम होगा सर, 4 का हमारा कितने टाइम होगा, 4 टाइम। ये देखो रिपीटेशन हो गया ना यहाँ पे, जब भी देखो एक और बात सिखा दो, या तो रिपीटेशन हो जाए या फिर आपके पास में दो सेम संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, वहीं पे आपको रोक देना है, तो यानी इसके आगे नहीं बढ़ना है। तो ये हमारे पास में क्या रहेंगे सर, इसके फैक्टर रहेंगे, तो कौन कौन सा हो गया, 1, 2, 4, एक ही टाइम लिखना है, 8 और 16, ये हमारे पास में क्या रहेंगे सर, इसके फैक्टर्स रहेंगे। इस तरह हमें किसी भी नंबर के आप फैक्टर्स पता कर सकते हो एलसीएम का यूज करते हुए। अब क्या करना है सर, हमें कॉमन फैक्टर, जिसे मैं क्या लिख दूं सर, सीएफ लिख दूं, कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो सर दोनों में कॉमन पता करो कि सर ऐसा नंबर जो दोनों के अंदर हो, जो आपके पास 12 के पास भी हो और जो 16 के पास भी हो, ऐसा कोई भी नंबर होगा तो वो हमेशा क्या कहलाएगा सर, कॉमन फैक्टर कहलाएगा। जब सर यहाँ से पता करना स्टार्ट किया तो पता चला सर 1 तो 1 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, उसके बाद में 2 कॉमन है, उसके बाद में क्या आता है सर, 4 यहाँ पर कॉमन आता है, उसके बाद में कोई भी है नहीं सर, तो नंबर कौन से आ जाएंगे सर, 1 तो आ जाएगा 1, 2 और 4, ये क्या है सर, इन दोनों के 12 और 16 के कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर से, और जिसका भी राइट है वो हैंड रेज कर दीजिए। इस बार जो हमारे पास में क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है सर फाइंड कॉमन फैक्टर, क्या लिखा हुआ है ध्यान रखना, हर एक एक पॉइंट हमारे बहुत काम का होता है सर। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड कॉमन फैक्टर, ये आपको पता होना चाहिए, जिसे हिंदी में कहा जाता है सर उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे आपने ये पढ़ा तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर इसका मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब होता है सर भाग।
ऑफ 30 एंड 50, किसका पता करना है सर, 30 और 50 इन दोनों के जो गुणनखंड होंगे या इन दोनों के जो फैक्टर्स होंगे उनमें कौन फैक्टर पता करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड पता करना है। चलिए सर, सबसे पहले मान लो कि आपको अभी 30 के तो पता है, आपको मान लो 30 के नहीं पता, हम तो उसी तरीके से सोल्व कर दें। सर सबसे पहले क्या करेंगे, 30 के एलसीएम पता करेंगे। 2 का डिवाइड किया तो सर 15 टाइम, 3 का डिवाइड किया तो सर 5 टाइम, 5 का डिवाइड किया तो 1 टाइम, कितना हो गया सर, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 5। अगर इसको लिख दिया सर हमने बॉक्स में, अब क्या करना है, अब सर सबसे पहले एक जगह लिखो 30, क्या लिखे सर 30 लिखो, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख दिया सर, 30 लिख दिया। 30 में आप सभी को पता है कि सबसे पहले किसका डिवाइड होगा सर, सबसे पहले 1 का डिवाइड होगा, तो कितने टाइम होगा सर, 30 टाइम। 1 के बाद में कौन आता है, 2, क्या इस बॉक्स में से बना सकते हो, यस सर बना सकते हैं, इस 2 का इस 30 में डिवाइड करो तो सर कितनी टाइम, 15 टाइम। चलिए सर ये भी आप, ये भी अच्छा है, ये भी आपको पता चल गया। इसके बाद में क्या करना है सर, इस 2 के बाद में आता है 3, क्या इस 3 इस बॉक्स में बनेगा, हाँ सर 3 भी बॉक्स में बनेगा। देखो सारा काम इस बॉक्स पे डिपेंड करेगा सर, 3 भी हमारे पास में बन रहा है, और अगर आप 3 का डिवाइड करोगे 30 में तो कितने टाइम सर, 10 टाइम, क्योंकि इस 30 में डिवाइड करना पड़ेगा। 3 के बाद में 4, क्या इस बॉक्स में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके 4 बना सकते हो, नहीं सर, 5 बना सकते हो, यस सर, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो सर 5 का हो जाएगा 6 टाइम। अब 6, यस सर 6 बन जाएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 बन जाएगा, 6 का कितने टाइम होगा सर, 5 टाइम। लेकिन जैसे ही आपने ये 6 मल्टीप्लाई 5 लिखा तो आपको पता चला कि सर ये वाला तो रिपीट हो गया, ये तो हम पहले से लिख चुके हैं, तो आपके पास में फैक्टर्स कौन से होंगे सर, केवल और केवल ये फैक्टर्स होंगे, 1 2 3 5 6 10 15 और 30 रहेंगे। चलिए सर इसके बाद में किसके पता करें सर, 50 की और पता कर लेते हैं सर। 50 में सबसे पहले किसका डिवाइड कर दें, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम, 25 टाइम। 25 टाइम में किसका डिवाइड, 5 का, कितने टाइम सर, 5 टाइम। 5 में 5 का डिवाइड कर देंगे 1 टाइम, तो कितना लिखेंगे सर, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये इसको किस में बना दे सर, बॉक्स में बना दे, क्योंकि सारी जो मेथड होगा किस पे डिपेंड करेगा, बॉक्स पे। सर सबसे पहले यहाँ पे लिखा हमने 50, और 50 में सबसे पहले किसका डिवाइड होगा, 1 का, कितने टाइम, 50। 1 के बाद में 2, 2 बनेगा इस बॉक्स में से ही बनेगा सर, तो 2 का इस 50 में डिवाइड करो कितने टाइम सर, 25 टाइम। पहले जो उठाया था उसमें कोई आवाज नहीं आ रही, तो मैंने अंदाजे 70 एक ही दबाया मैंने सही के लिए। इसके बाद में क्या हुआ सर, 2 तो हो गया, 3 नहीं बन रहा, 4 नहीं बनेगा इस बॉक्स में से इस बॉक्स में, 5, यस सर 5 बन रहा है, 5 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम होगा सर, 10 टाइम। 6 बनेगा, नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं सर, 10 बनेगा, हाँ सर 10 जरूर बनेगा। सर 10 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम होगा सर, 5 टाइम। जैसे ये लिखा तो आपको दिखाई दिया कि सर ये वाली तो वापस क्या हो गई सर, रिपीट हो गई, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, पुनरावृत्ति आप नहीं कर सकते, तो सर ये हमारे क्या हो गए सर, इसके फैक्टर हो गए। चलिए आप फैक्टर लिख लेते, सबसे पहले सर यहाँ पे लिखा हमने 30 लिखा और यहाँ पे 50 लिखा, दोनों के हम फैक्टर्स लिख लेते हैं क्योंकि दोनों के हमने फाइंड आउट कर लिए। इसका तो क्या है, 1 2 3 5 6 10 15 और 30, 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ये हमारे पास में रहेगा। 50 के पता करेंगे तो सर 1 2 5 10 25 और ये रहेगा सर 50। अब क्या करना है सर, अब आपको ये पता करना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर जिसे बोलते हैं सीएफ, कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से होंगे ये पता करो। चलिए सर उभयनिष्ठ पता करते हैं। सबसे पहले पता चला सर ये 1 इन दोनों में कॉमन है, उसके बाद में 2 दोनों में कॉमन है, उसके बाद में 5 कॉमन है, उसके बाद में 10 यहाँ पर कॉमन रहता है, और तो कोई नहीं होता, तो कौन कौन से हो गए सर हमारे पास में। हमने जब पता किया तो पता चला सर 1 2 5 और 10, ये हमारा क्या रहेगा सर, कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेगा इन दोनों का, 30 और 50 का। चलिए सभी स्टूडेंट एक बार के वापस देख लीजिए, और जिसका राइट है वो हैंड रेज कर दीजिए। इस बार तो हमें क्वेश्चन दे रखा है सर, उस क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि आपको सबसे पहले इसमें कॉमन फैक्टर्स पता करने हैं, ठीक है। इसके पता करने हैं सर 24 एंड 32, इन दोनों में जो भी कॉमन
कॉमन फैक्टर्स होंगे या उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। आप सभी को कल भी मैंने बताया था कि सर अगर आपको सीधा बता रहे तो ठीक है, अगर आपको आप सीधा नहीं लिख सकते फैक्टर्स तो इस तरह लिख लीजिएगा, जैसे सबसे पहले 2 का डिवाइड किया तो 12, फिर से 2 का किया तो सर 6 टाइम, 2 का किया तो सर कितना आ गया 3, और 3 का किया तो सर 1 आ गया, है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से आपके पास में क्या बन गया सर, 2 × 2 × 2 × 3, और ये हमारे पास में एक्स बन गया सर। चलिए तो सर इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में जैसे आपने ये एलसीएम का बॉक्स बना लिया तो सबसे पहले लिखना है सर 24, ठीक है। 24 लिखा तो सबसे पहले 1 का डिवाइड करेंगे कितनी टाइम सर, 24 टाइम। 1 के बाद में नंबर आता है सर 2, जो 2 इस बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है, तो सर 2 का लिखा तो सर कितनी टाइम, 12 टाइम। 2 के बाद में आता है सर 3, 3 का कितने टाइम होगा सर, 3×8=24। 3 के बाद में 4, क्या इसमें से कहीं से भी 4 बना सकते हो सर, क्यों नहीं बना सकते, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 4 बना देंगे, तो 4 बन रहा है, तो 4 का अगर इस 24 में डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम सर, 6 टाइम। क्या इस बॉक्स में 5 बनेगा, नहीं सर 5 नहीं बन सकता। क्या 6 बनेगा, हाँ सर 6 बन सकता है। कैसे बनेगा सर, 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आप 6 बना सकते हो इजीली। तो 3 और 2 को देखो ये मल्टीप्लाई वापस भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, अगर 8 बनाना हो तो 8 भी बनेगा यहाँ से। मल्टीप्लाई कितनी बार बनो, बस आपके पास में बनना होना चाहिए। तो 6 का किया तो सर 4 टाइम, लेकिन जैसे ही 6 का किया तो पता चला सर ये तो रिपीट हो गया, तो ये तो हो गया सर रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं। तो केवल हमारे पास में क्या रहेंगे सर, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये इसके क्या रहेंगे सर, फैक्टर्स रहेंगे। इसी तरह सर जब 32 के सोल्व करना स्टार्ट किया तो 32 में सबसे पहले 2 का डिवाइड किया तो सर 16 टाइम हुआ, 2 का डिवाइड किया तो 8 टाइम हुआ, 2 का डिवाइड किया तो सर 4 टाइम कर दिया, और 2 का किया तो सर 2 टाइम, और उसके बाद फिर से 2 का डिवाइड किया तो सर 1 टाइम हुआ। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम 2 है ना, ये कर दिया सर, इसको बॉक्स में क्लोज कर दिया। सबसे पहले सर हम लिखेंगे 32, और 32 में सबसे पहले जो डिवाइड होगा वो 1 का होगा, और कितनी टाइम होगा 32 टाइम। 1 के बाद में 2 बन सकता है इसमें से, तो सर 16 टाइम हो जाएगा, 3 नहीं बन सकता, 4 आप इजीली बना सकते हो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके, तो 4×8=32 हो जाएगा। 4 के बाद में 5 नहीं बनेगा, 6 नहीं बनेगा, क्योंकि 6 बोले तो 3×2 होना चाहिए, जो आपके पास में यहाँ पे नहीं है। 7 नहीं बनेगा, 8 बन जाएगा, क्योंकि 8 का क्या कहता है, 2×2×2, तो 2, 2 और 2, 3×2 को मल्टीप्लाई करके कितना बना सकते हो, 8 किसी को भी बना सकते हो ना, तो 8×4=32। ये सर जैसे ये लिखा तो पता चला कि सर ये तो रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, तो केवल सर इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 1, 2, 4, 8, 16 और 32, ये हमारे क्या रहेंगे, फैक्टर्स रहेंगे। अब सर इधर लिख लेते हैं, इधर एक तो लिख लेते हैं 24, एक लिख लेते हैं 32, है ना। अगर आप ये एग्जाम में नहीं भी लिखो ना तो सीधा यहाँ से भी पता कर सकते हो, अभी बताऊंगा। देखो 24 के क्या क्या हो गए सर, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 32 के कौन कौन से हो गए, 1, 2, 4, 8, 16 और 32। क्या फाइंड आउट करना है सर, हमें कॉमन फैक्टर या सीएफ या उभयनिष्ठ गुणनखंड पता करने हैं। तो सर कौन कौन से हो जाएंगे, हम जब यहाँ से पता करना स्टार्ट किया तो सर एक तो 1 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 जो है वो कॉमन या उभयनिष्ठ है, फिर सर 4 इन दोनों में उभयनिष्ठ या कॉमन है, 8 यहाँ पर उभयनिष्ठ या कॉमन रहेगा, उसके बाद में सर कुछ नहीं रहेगा उसके बाद में। तो कौन कौन से हो गए सर, 1, 2, 4 और 8, ये क्या रहेंगे इसके सर, कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेंगे। मान लो आप ये नहीं लिखना चाहो तो क्या कर सकते हो सर, जैसे आप यहाँ लिखा ना, इन दोनों को जैसे आपने बॉक्स में क्लोज कर दिया, तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हो सर, 1 इसके पास भी है और 1 इसके पास भी है, फिर सर 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, फिर 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, सर 8 इसके पास भी है, 8 इसके पास भी है, बस यहाँ से सीधा भी पता कर सकते हो ना, वो वाले स्टेप आप छोड़ भी सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, यहाँ से सीधा भी कर सकते हो, तो दोनों आपको मैंने मेथड बता दिए, लेकिन मेथड यूज ऐसे ही करना, पहले एलसीएम कर लेना ताकि आप सभी फैक्टर्स फाइंड आउट कर सको, कोई भी नंबर आपका मिस नहीं हो जाए इसलिए, उसके बाद में इन दोनों में कॉमन पता कर लेना, उसे बोलते हैं कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन फिर से सेम क्वेश्चन है, फाइंड कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड ऑफ 90 एंड 120। तो सबसे पहले क्या पता करना है, ये आपको पता होना चाहिए सर, कॉमन फैक्टर है
उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे आपके माइंड में फैक्टर आया तो आपके माइंड में क्या आया, सर हमारे माइंड में आया सर ये डिवाइड है। क्या है सर? डिवाइड है। और जब से भी हमें इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने, उनमें फिर कॉमन पता करना, तो सबसे पहले फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए सर एक ही मेथड हमेशा काम में लेते हैं, जो मेथड ये कहता है कि सबसे पहले इनका एलसीएम कर लो। तो सर सबसे पहले एलसीएम किसका करें? सर 90 का एलसीएम करा। 90 का किया तो सर कितनी टाइम, सर 2 का किया तो कितना आया सर 45। इसके बाद में इसमें सर 3 का डिवाइड कर दिया तो सर 15 3 जा 45 होगा ना, जैसे 3 का 1 टाइम तो आ जाएगा। फिर से सर 3 का डिवाइड किया तो ये सर कितना आ गया 5। 5 का डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या लिख दिया सर, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और ये क्या बन गया सर, इसके ऊपर बना दिया सर एक बॉक्स। चलिए सर इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में सर ये जो 90 लिखा हुआ है इसके कुछ फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले सर 1 तो पता तो रहेगा, तो 1 मल्टीप्लाई 90 तो रहेगा। चलिए मैं इसके 90 के इधर पता कर रहा हूँ ना, थोड़ी इसकी ज्यादा होंगे इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। 90 का क्या होगा सर, सबसे पहले 1 का करेंगे तो सर कितनी टाइम होगा 90 टाइम, तो पहले तो 1 मल्टीप्लाई 90 तो यहाँ से लिख देंगे। इसके बाद में सर जो सेकंड रहेगा उसके बाद में 2 आता है ना 1 के बाद में, तो सर पता चला कि सर जो 1 के बाद में जो 2 आएगा वो 2 तो हमें पता है कि इसके अंदर आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 तो हमारे इस बॉक्स में बन रहा है ना, इसलिए 2 लिखा। और 2 का इस 90 में डिवाइड किया तो सर कितनी टाइम 45 टाइम आया। 2 के बाद में क्या आप यहाँ से 3 बना सकते हो? हाँ सर 3 भी इस बॉक्स में मिल रहा है, तो 3 का किया तो कितनी टाइम सर 30 टाइम। क्या इस बॉक्स में 4 बना सकते हो? 4 बोले तो 2 मल्टीप्लाई 2, 4 का मतलब कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2? नहीं है। 5 बन सकता है? हाँ सर 5 बन सकता है। अभी 5 बनाया तो सर कितनी टाइम, 5 का किया तो कितनी टाइम होगा सर? 5 का करोगे तो 18 5 जा 90, 18 5 जा कितना होगा 90 है, 5 का डिवाइड कर सकते हो, है ना। 5 बन जा 5, फिर 4 रहेगा 40 हो जाएगा। क्या सर यहाँ पे 6 बन सकता है? हाँ सर अभी क्यों नहीं बन सकता 6, 3 और 2 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, देखो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 6 बन रहा है ना, तो 6 का करोगे तो कितनी टाइम होगा सर? 6 का करोगे तो 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, या 6 का डिवाइड कर लेना। 6 के बाद में 7, क्या इस पूरे बॉक्स में कहीं भी 7 दिखाई दे रहा है या बना सकते हो? नहीं। 8 बना सकते हो? 8 का मतलब अगर 8 आपके दिमाग में आ रहा है तो क्या होना चाहिए सर, 8 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, वो नहीं है। 9 बन रहा है सर? हाँ सर 9 बन रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 को करने पर 9 बन रहा है ना, 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो सर 9 हो जाएगा। और 9 का कितनी टाइम होगा? 10 टाइम होगा। क्या 9 के बाद में 10 बनेगा? हाँ सर 5 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 10 बनेगा। तो सर 10 का डिवाइड करेंगे 90 में तो कितनी टाइम होगा? 9 टाइम। जैसे सर ये लिखा तो ये क्या दिखाई दिया सर, ये रिपीटेशन हो गया। तो सर रिपीटेशन तो आप कर नहीं सकते, रिपीट नहीं कर सकते सर नंबर्स को, तो आपके पास में सर ये क्या हो गया सर, इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये तो किसके हो गए? 90 के हो गए। अब किसके पता करने हैं सर? 120 के भी आपको पता करने हैं। ठीक है, मैं इस 90 वाले को यहाँ पे रख देता हूँ ना सारे को छोटा करके, ताकि इसी एक ही जगह पे हो जाए सबके सब। चलिए इस 90 वाले को मैं यहाँ ले जाता हूँ। ये तो हो गए सर अपने 90 के फैक्टर्स। अब किसके पता करने हैं सर? 120 के। तो सबसे पहले 120 में क्या करना है सर? 120 का सबसे पहले एलसीएम करना है। 2 का डिवाइड किया 60, 2 का डिवाइड किया 30, 2 का डिवाइड किया 15, 15 में 3 का डिवाइड किया 5, 5 में 5 का डिवाइड किया 1, कितना आ गया सर? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसको क्लोज कर दो सर बॉक्स में। अब क्या करना है सर, इसके बाद में सबसे पहले हमें 120 लिखना है, और 120 में सर किसका डिवाइड होगा? 1 का, और कितनी टाइम? 120 टाइम। इसके बाद में किसका डिवाइड करते हैं सर? 1 के बाद में 2 के, इस बॉक्स में बनेगा 2। यस सर बॉक्स में 2 तो आ रहा है अभी भी, तो 2 का करोगे तो सर 69। क्या बॉक्स में 3 बना सकते हो? हाँ सर अभी 3 भी बन रहा है, तो 3 का करेंगे तो 3 4 जा 20, तो 40 आ जाएगा। क्या 4 बन सकता है? हाँ सर 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा सर? 4 बनेगा। 4 का करोगे तो 4 3 जा 12 होगा ना, इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 30। क्या 5 बन रहा है इसमें? हाँ सर अभी 5 तो बन रहा है। 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 5 का यहाँ पर अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने साइन सर? 5 2 जा 10, और ये 24 हो जाएगा। क्या सर 6 बना सकते हो? 6 यानी 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 बन रहा ना, 3 2 जा 6, तो सर 6 का करेंगे तो कितने टाइम हो जाएगा? 6 2 जा 12, तो 20 हो जाएगा। 7 बनेगा इसमें पूरे में? नहीं सर, देखो सारा काम इस बॉक्स पे डिपेंड करेगा। 8 बनेगा सर, 8 बनेगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, देखो 8 बन रहा है इस पूरे में, तो सर 8 यहाँ पर बनाया। 8 का सर कितनी टाइम डिवाइड होगा? सर 8 1 जा 8, पीछे कितना बना सर 40, तो 8 5 जा 15, 8 जा 120।
नाइन बनेगा नाइन, 3 मल्टीप्लाई 3, नहीं सर 9 बन नहीं बना, 10 बनेगा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 10 बन रहा है, देखो 5 टू जा 10, सर 10 भी बन रहा है, तो 10 का कितने टाइम सर 12 टाइम, क्या 11 बनेगा, नहीं 12 बनेगा सर, 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12, देखो सर 12 बन रहा है, 2 टू जा 4 और 4 3 जा 12, या 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12, 12 बन रहा है ना, तो सर 12 बनेगा, 12 का डिवाइड कितने टाइम होगा सर 10 टाइम, ये लो सर, ये हो गया सर, यहाँ पर वापस रिपीट हो गया, क्या हो गया सर रिपीट हो गया, रिपीट हो गया तो रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है, तो ये हमारे पास में क्या होंगे सर इसके फैक्टर्स हमें फाइंड आउट कर लिए, तो इसको भी यहाँ पर छोटा करके एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं, है ना, एक मिनट रुकिए, इस सारे को मैं छोटा करके यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपके इजीली हम सारा काम एक ही जगह कर लेना, कॉमन फैक्टर तो भी फाइंड आउट करेंगे अभी किए नहीं है ना। अब सर सबसे पहले एक काम करते हैं, इन दोनों में कॉमन पता कर लेते हैं, है ना, कॉमन पता कर लेते हैं, मैं दोनों को यहीं पे हाईलाइट कर देता हूँ सर, सबसे पहले वन जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, ये पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, टू कॉमन आ रहा है ना दोनों के अंदर, आ रहा है सर, थ्री कॉमन आ रहा है, थ्री भी आ रहा है, इसके बाद में सर फाइव कॉमन आ रहा है, ठीक है, सिक्स भी कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है, नाइन नहीं सर एट नहीं टेन आ रहा है, देखो दोनों में, ये देखो लिखने से क्या पता चल गया, एक ही लाइन में आपको चलना पड़ेगा, 12 नहीं हो रहा सर, 15 दोनों में कॉमन आ रहा है ना 15 सर, 18 तो नहीं है, 30 भी 30 हो गया सर, हाँ सर 30 कॉमन आ रहा है, 30 कॉमन आ रहा है, 45 नहीं आ रहा, 90 नहीं आ रहा, अब देख लीजिए, तो सर यहाँ पर अगर मैं कॉमन फैक्टर लिखना चाहूँ इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो कौन कौन से हो गए, इसमें से देख लो ना, किसी भी एक में से देख लो जिन पे अलग ही हाईलाइट, वैसे आप क्या कर सकते हो वहां पर ऐसे गोला बना सकते हो ना, इसके ऊपर गोला बना लेना वहां पर, तो सर 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और ये लो सर 30, ये इसको मैं इधर लिख देता हूँ ना थोड़ा सा ताकि सारा एक ही जगह लिख दें, तो सर ये हो गया सर हमारे पास में 30, तो सर ये हमारे पास में रहेगा 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, ये हमारे पास में क्या हो गया सर कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड ये हो गया, इस तरह हमें फाइंड आउट करने हैं, किसी भी अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें ये लिखा हो कि सर इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करो, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड फाइंड आउट करो, तो इस तरह आपको उस क्वेश्चन के आपको गुणनखंड सबसे पहले उसके फैक्टर्स या गुणनखंड फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद में आपको उन दोनों में कॉमन पता करना है, इन उनमें उभयनिष्ठ पता करना है, और फिर आपका क्या बन जाएगा कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड बन जाएगा, ध्यान रखना ये फाइंड आउट करने के बाद में, अब देखना मैं कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूँ ना, इसके कुछ ऑप्शंस में आपको लिखता हूँ, फिर देखना वहां पर ऑप्शंस आपको कैसे, आपको वो मतलब आपका सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपके गलत होने के चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं, मैं बताता हूँ सुन लो एक बार, पहले बात को सुन लो, वहां पर आपने सब कुछ सही किया है लेकिन फिर भी आपका गलत होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन को सही नहीं देखना सीखते, तो मैं आपको ऑप्शंस लिख के बताता हूँ, देखो मान लो कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, तो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 ये तो यहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या कर देगा सब कुछ सही लिखेगा, सब कुछ सही लिखेगा, बस ये एक मिस कर देगा, इसमें से कर दिया मिस, इसके अलावा जैसे इसमें सब कुछ सही लिख रहा है और इसमें लिखते लिखते ये और साथ में प्लस कर दिया, देखो सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या लगता है कि सर सब कुछ एक जैसा ही तो दिखाई दे रहा है, उसमें कोई चेंज ही नहीं है, लेकिन नहीं, इनमें कोई ना कोई क्या करता है कि वो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज कर देता है, जो इसके जैसा दिखाई दे, जो इसके जैसा दिखाई दे, अब देखो सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी चेंज, अब जैसे आप क्या करते हो, आप तो केवल यहाँ तक पता करते हो, हाँ सर सही है चलो इसको कर देते टिक, अरे नहीं सिक्स भी सही है लेकिन बीच का 10 कहाँ पर है, बीच का 10 कहाँ पर है, नहीं है ना, ये गलत है आपका, ये देखो सर ये 4 की यहाँ से बीच में आ गया तो सर ये भी गलत है, हाँ सर इसमें सब कुछ एक ऐसा है, अब देखो इसमें सब कुछ आपको सही दिखाई दे रहा है, 15, 30 भी दिखाई देगा लेकिन बीच में एक प्लस कर दिया, तो इस तरह ऑप्शन देखना भी ध्यान रखना, वहां पर ऑप्शन भी ध्यान से देखना, कई बार क्या होता है अपने सब कुछ देखो ये चारों ऑप्शन में, अगर ये तो चलो मैंने अभी आपके सामने लिखे तो आपको पता चल गया कि ये अगर मैं ऐसे दे देता ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ए या डी को, कुछ बच्चे डी को क्लिक कर देते हैं, कुछ बच्चे बी को क्लिक कर देते हैं, लेकिन वो नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे फिर भी चेक करना है कि कहाँ कौन सा, अगर एक जैसे दिखाई दे ना तो पक्का समझना है कि कोई ना कोई इसमें मिस हुआ या फिर प्लस कर दिया इसने, तो ध्यान से देखना ऑप्शन को, आपने जो लिखे हैं वो सारे डिजिट्स इसमें है या नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि कुछ जैसे इसके अंदर सारे डिजिट्स थे लेकिन ये जबरदस्ती इसके अंदर घुसा दिया, इसके अंदर एक बाहर निकाल दिया, इस तरह ऑप्शन को भी बहुत ध्यान से देखना, बहुत बारीकी से देखना, है ना। चलिए एक बार वापस इसको देख लीजिए क्वेश्चन को,
तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है और ये समझना है कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। जैसे अगर यहाँ पर मल्टीपल लिखा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि सर इस बार हमें मल्टीपल ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर कॉमन मल्टीपल या उभयनिष्ठ गुणज पता करना है। इसका मतलब कि सर हमें इनके मल्टीपल्स ही पता करने, किसके करने हैं सर 10 और 15 के पता करने। क्या सर मल्टीपल तो रुकते ही नहीं है, मल्टीपल तो इनफाइनाइट तक जाते हैं ना, वन से स्टार्ट हो गए मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई इनफाइनाइट, क्या सारी पता करने? नहीं, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ फर्स्ट 10 मल्टीपल, प्रथम 10 गुणज ही आपको पता करने, 10 से आगे नहीं जाना। इसका मतलब कि मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई नाइन और मल्टीप्लाई 10, ये रहेगा। अब सर यहाँ पर करना क्या है? सर यहाँ पर इधर तो 10 लिख लो और इधर 15 लिख लो, इनके आंसर लिख लो। 10 से करोगे तो सर 10 आएगा 20 30 40 50, 6 से करोगे 60, 7 से करोगे 70, 8 से करोगे 80, 9 से करोगे 90, 10 से करोगे 100। देखो ये तो अभी आपको टेबल पता थी, अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसकी टेबल नहीं पता हो तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है? ये मत सोचना कि सर टेबल नहीं पता हो तो क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 15 से करेंगे तो 15, 2 से करेंगे 30, 3 से करिया तो 45, 4 से मल्टीप्लाई किया 60, 5 से किया तो सर 75, 6 से किया तो 90, 7 से किया तो 105, 8 से किया तो 120, 9 से किया तो 135, 10 से किया तो कितना आ गया सर 150। अब क्या पता करना है सर? कॉमन पता करना है, तो दोनों के अंदर हम कॉमन पता कर लेते हैं। कौन कौन से आ रहे हैं सर? एक तो हमारे पास में सर ये 30 इसके पास भी है और 30 इसके पास भी है, इसके अलावा सर ये 60 इसके पास भी है और 60 इसके पास भी है, इसके अलावा सर 90 इसके पास भी है 90 इसके पास भी है, इसके अलावा सर इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या करते हैं सर, हम यहाँ पर कॉमन और मल्टीपल्स उभयनिष्ठ गुणज लिखते हैं। कौन कौन से सर? एक 30, एक 60 और एक 90, ये हमारे पास में क्या रहेंगे सर? कॉमन मल्टीपल या उभयनिष्ठ गुणज रहेंगे। इस तरह आपको सोल्व करना है, ठीक है? तो जिनका भी सही हुआ वो हैंड रेज करें और बाकी सभी स्टूडेंट एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सर इस बार जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि फाइंड कॉमन मल्टीपल्स, क्या पता करने हैं सर? कॉमन मल्टीपल्स पता करने हैं, उभयनिष्ठ गुणज पता करने हैं। वो भी कौन से सर? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 8, किसके पता करने हैं सर? 4 और 8 के। कितने करने हैं सर? फर्स्ट 5। इसका मतलब कि सर हमें केवल और केवल किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फोर और मल्टीप्लाई फाइव। एक तरफ कितना लिखा जाएगा सर? एक तरफ लिखा जाएगा 4, एक तरफ लिखा जाएगा 8। चलिए सर पता कर लेते हैं, 4 8 12, 4 4 16, 4 5 कितना हो जाएगा 20। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 3 से किया तो कितना आ गया सर 24, और 4 से किया तो 32, और 5 से किया तो सर 40। कॉमन पता करना है, उभयनिष्ठ पता करने हैं, तो सर दोनों में कॉमन पता कर लेते हैं। पता किया तो सर एक तो 8 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इसके अलावा सर एक 16 जो है वो दोनों में आपके पास में कॉमन या उभयनिष्ठ आ रहा है। इसका मतलब कि सर यहाँ पर अगर हम इनके कॉमन मल्टीपल्स या उभयनिष्ठ गुणज लिखना चाहेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे सर? 8 और 16 यहाँ से लिखेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसको हमने बहुत आसानी से सोल्व कर लिया है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तो आपने बना लिया होगा, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, ठीक है? सर हमारे पास में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फाइंड कॉमन मल्टीपल, फाइंड कॉमन मल्टीपल्स या उभयनिष्ठ गुणन हमें गुणज हमें पता करने हैं। तो फाइंड कॉमन मल्टीपल्स या उभयनिष्ठ गुणज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, कितने पता करने हैं सर? फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 20 एंड 15, केवल इनके, और वो भी कितने करने हैं सर? फर्स्ट 10। इसका मतलब सर मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई नाइन एंड मल्टीप्लाई 10।
अब सर इधर कितना लिखना है, इधर सर 20 लिखना है और इधर कितना लिखना है सर 15 लिखना है। अब कैसे सोल्व करना है सर, ये लिखना है 20, 2 से मल्टीप्लाई 40, उसके बाद में 60, उसके बाद में 80, 5 से मल्टीप्लाई किया 100, 6 से किया 120, 7 से 140, 8 से 160, 9 से 180 और 10 बोले तो 200। 15 से करेंगे तो सिर्फ 1 से 15, 2 से 30, 3 से 45, 4 से 60, 5 से 75, 6 से 90, 7 से 105, 8 से 120, 9 से 135 और 10 से 150। अब क्या करना है, अब सर आपको केवल कॉमन फाइंड आउट करना है। कॉमन फाइंड आउट करना स्टार्ट किया तो सर सबसे पहले 20 नहीं है, 30 भी नहीं आएगा, 45 भी नहीं है सर, एक तो मिला हमें 60, कितना मिला सर 60, 75 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, 105 भी नहीं है, तो एक मिला सर 120, दोनों में मिला, 135 नहीं है, 150 नहीं है। तो सर इसके जब हमने कॉमन मल्टीपल्स या उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणज पता किए तो कौन कौन से मिले सर, एक तो 60 और एक मिला 120, केवल ये दो ही हमारे पास में क्या रहेंगे सर, इसके कॉमन मल्टीपल्स या उभयनिष्ठ गुणज रहेंगे। तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था जो हमने बहुत अच्छे से सोल्व किया। आप भी इसको एक बार वापस देख लीजिए ताकि आपको और अच्छा ये क्लियर हो सके। यहाँ जो आपके पास में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है, मेरे साथ साथ सोचना, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल। तो मतलब ये तो पता चल गया कि सर इसमें करना क्या है सर, हमें हमें सर इसमें प्रोडक्ट करना है। तो पहला पॉइंट आपको क्या पता चल गया कि सर इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट पता करना है, आपको गुणनफल पता करना है, लेकिन सर किसका, फर्स्ट नेचुरल, फर्स्ट होल एंड द फर्स्ट प्राइम नंबर, पहली प्राकृत संख्या, पहली पूर्ण संख्या और पहली अभाज्य संख्या। अब क्या करना है सर, सबसे फर्स्ट नेचुरल पता करो, नेचुरल नंबर जिसे बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं सर प्राकृत संख्या। अब मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ कुछ, मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि इस बॉक्स पे लिखूंगा मैं ना। देखो सुन लो सर, यहाँ पर अगर मैं नेचुरल नंबर लिखना चाहूँ या प्राकृत संख्या लिखना चाहूँ तो सर हमें पता है कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है सर, जो 1 से स्टार्ट होती है और आगे चलती जाती है इनफिनाइट तक, ये तो होती है सर नेचुरल नंबर। और उसमें भी सर कौन सा नेचुरल नंबर चाहिए सर, फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा चाहिए, फर्स्ट नेचुरल नंबर, पहली प्राकृत संख्या। और सर पहली प्राकृत संख्या कौन सी होगी सर, ये हमारी पहली प्राकृत संख्या हो गई। दूसरा सर, दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है होल नंबर, जिसे W से लिखते हैं पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या जो सर 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 इस तरह डैश डैश करके सर इनफिनाइट तक। उसमें भी सर कौन सी चाहिए सर, फर्स्ट होल नंबर चाहिए सर, पहली पूर्ण संख्या चाहिए हमें, कौन सी चाहिए पहली पूर्ण संख्या, तो सर फर्स्ट होल नंबर कौन सी होगी सर, 0। इसके बाद में सर फिर अभाज्य संख्या चाहिए, क्या चाहिए, अभाज्य संख्या बोले तो सर प्राइम नंबर चाहिए, कौन सा चाहिए प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है सर अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है सर, 2, 3, 5, 7, 11 और इस तरह ये चलती जाएगी। इसमें भी सर कौन सा चाहिए हमें सर, इसमें भी पहली अभाज्य संख्या, इसमें भी कौन सी चाहिए पहली अभाज्य संख्या या फर्स्ट प्राइम नंबर चाहिए, तो सर फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। अब इनका करना क्या है सर, हमें हमें सर प्रोडक्ट पता करना है, क्या करना है प्रोडक्ट पता करना है, जिसे हिंदी में कहा जाता है गुणनफल कहा जाता है। अब प्रोडक्ट किसका करना है सर, फर्स्ट फर्स्ट का, तो एक तो 1 हमारे पास में, ये वाला कितना है 0 और ये कितना है 2। अब एक बात बताओ, अगर 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना रहेगा 0, और ये क्या हो जाएगा सर, इसका हमारे पास में आंसर हो जाएगा। आपको ये भी पता था कि सर नेचुरल नंबर कौन सी होती है, प्राइम नंबर कौन सी होती है, होल नंबर कौन सी होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सब पता था आपको, बस आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से उनको यूज करना था। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था
क्वेश्चन में सर केवल इतना लिखा हुआ था कि आपको ओनली फर्स्ट नेचुरल, फर्स्ट होल और फर्स्ट प्राइम चाहिए, उसके अलावा कोई नंबर नहीं चाहिए आपको, और उनका क्या कर देना है, प्रोडक्ट, उनका गुणनफल कर देना है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, बस आपने जो सीखा है उसका यूज करना था आपको। यहां देखो क्वेश्चन में, देखो पढ़ना सीखो पहले, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सर क्वेश्चन हमें ये लिखे दे रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन, कौन सा फैक्टराइजेशन, सर प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट कंप्लीटेड। देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए, किसमें अभाज्य गुणनखंड, कौन सा गुणनखंड, सर अभाज्य गुणनखंड पूर्ण नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नहीं होता है। इसका मतलब कि जैसे मान लो कि आपने कोई भी नंबर लिखा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 44, और 44 के इक्वल में क्या लिखा हुआ है सर, 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब जब सर हमने पता किया 11 क्या है, एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, 2 एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, और 2 एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, मतलब इसमें तो सभी नंबर कैसे हैं सर, प्राइम या अभाज्य। तो इसका मतलब इसमें तो प्राइम या अभाज्य, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड हो रहा है। दूसरा जिसे मान लो 42 लिखा हुआ है, उसमें कितना लिखा हुआ है सर, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है। यहां देखा कि सर 7 एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, 2 एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, और 3 एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। इसका मतलब कि सर इसमें भी क्या हो रहा है आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है, अभाज्य गुणनखंड हो रहा है। उसके बाद में सर हमने देखा 21, 21 में लिखा हुआ था 7 मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ था। इसका मतलब कि सर जो 7 है वो भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो पूरे गुणनखंड में या फैक्टराइजेशन में कोई भी कंपोजिट भाज्य नहीं है, तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन को कंप्लीट कर रहा है। इसके बाद में सर, इसके बाद में लिखा हुआ है 20, कितना लिखा हुआ है 20, उसमें लिखा हुआ है सर 5 मल्टीप्लाई 10 लिखा हुआ है। यहाँ देखा तो पता चला कि सर 5 एक प्राइम नंबर है, लेकिन सर 10 एक कंपोजिट नंबर है। 10 क्या है, कंपोजिट नंबर है, 10 प्राइम नंबर नहीं होता, 10 अभाज्य संख्या कंपोजिट है। तो सर यहाँ पर क्या हो गया, सर यहाँ पर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, आपका यहाँ पर क्या नहीं हुआ, अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ, और इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डी क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिसका पूर्ण नहीं होता ना, आपको वो वाला ऑप्शन चूज करना है जिसका नोट कंप्लीटेड हो प्राइम फैक्टराइजेशन। ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में ये वाले मत कर देना इन तीनों में से कोई सा भी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रुक जाओ एक मिनट, पहले मेरी सुन लो। क्योंकि सर क्वेश्चन में आपके यहाँ ये लिखा हुआ था कि आपका नोट कंप्लीटेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, नोट कंप्लीटेड या पूर्ण नहीं होना चाहिए, वो वाला ऑप्शन चूज करना है। इसमें पूर्ण हो रहा था, नहीं चूज करेंगे। इसमें भी आपका सारे प्राइम फैक्टर थे, इसको भी नहीं करेंगे। इसमें भी प्राइम फैक्टरी अभाज्य गुणनखंड थे, लेकिन इसमें आपके पास में प्राइम फैक्टरी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये आपके क्या होते हैं, ये सब फैक्टर्स होते हैं इसके। और कल मैंने बताया था ना, किसी भी नंबर के मान लो प्राइम फैक्टर सा पता करना हो तो कैसे करोगे, जैसे मान लो मैं कहूँ 44 के प्राइम फैक्टर्स पता करो, मैंने क्या कह दिया कि सर 44 के प्राइम फैक्टर्स पता करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो या इसका अभाज्य गुणनखंड पता करो। तो कल मैंने एक ही बात आपको बताई थी कि अगर किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड या समापवर्तक या प्राइम फैक्टर्स पता करने हो तो उस नंबर का एलसीएम कर दो, उस नंबर का क्या कर दो, एलसीएम कर दो। 2 से किया तो सर 22 टाइम, 2 से किया तो सर 11 टाइम, 11 से किया तो 1 टाइम। तो 44 के लिए आपने क्या लिखा सर, 44 के लिखा लिया लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। अब चेक कर लो ये तीनों नंबर आपके पास में क्या सर, एक प्राइम नंबर है। तो किसी भी नंबर का अगर आपको प्राइम फैक्टर करना हो, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड या समापवर्तक करना हो या अपवर्तक करना हो, वो भी कैसा सर, अभाज्य या प्राइम करना हो, तो उसका क्या कर दोगे सर, उसका एलसीएम कर देंगे। ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखना, आजकल क्वेश्चंस में ये देने लग गए, नहीं लिखा आता और बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों, क्योंकि पूर्ण नहीं होना चाहिए था, नोट कंप्लीटेड होना चाहिए था। ठीक है, आराम से देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब बहुत आराम से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द डिफरेंस, सबसे पहले क्या पता करना है सर, डिफरेंस करना है किसका, एलसीएम और एचसीएम, किसके एलसीएम और एचसीएम सर, 20, 80 एंड 160। सबसे पहले आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएम, वो भी किसका, 20, 80 एंड 160 का। और वो किसके इक्वल है सर, वो इक्वल है हमारे इक्वल टू ट्वाइस ए नंबर, एक दूसरा नंबर है उसके ट्वाइस के इक्वल है, यानी कि एक संख्या है उसके दुगुने के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले हमें अंतर पता करना है या डिफरेंस पता करना है, डिफरेंस मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस, किस किस का,
सर उनके एलसीएम और एचसीएफ, उनके लस और मस किसके, 20, 80 एंड 160। चलो सबसे पहले इनका कर लेते हैं सर एलसीएम, ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं सर, इस 20, 80 और 160 का एलसीएम पता कर लेते हैं। तो सर यहाँ से एलसीएम पता किया, देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम भी वैसा करेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा कि सबसे पहले आप डिफरेंस पता करो, सबसे पहले अंतर पता करो किसका, इनके जो एलसीएम और इनका जो एचसीएफ है, इनके जो लेस है और इनके जो मस है, उनका सबसे पहले अंतर पता करो। तो पहले वही काम कर लेते हैं, पहले इसका एलसीएम किया तो सर 2 का डिवाइड किया 10, 40 और 80। फिर से सर 2 का डिवाइड किया 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 20 और यहाँ पर आ जाएगा 40। 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया सर, 2 का डिवाइड करेंगे तो इसमें तो 5 रहेगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर से सर 2 का डिवाइड किया 5, 5, 10। 2 का डिवाइड किया तो सर कितना आ जाएगा 5, 5, 5। 5 का डिवाइड किया 1, 1, 1। एलसीएम करो तो सर एलसीएम करते समय काउंट कर लेना 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 multiply 5। चलो multiply करो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 और 32 को 5 से multiply कर लो। तो 32 को 5 से करोगे तो 3 5 15 और 10 तो कितना आ गया 160। तो ये तो क्या आ गया हमारे पास में, LCM आ गया। जब सर इन्हीं का अगर हमें HCF पता करने होगा, जब इनका हमें HCF पता करना होगा तो HCF क्या करते हैं, पहले तीनों का अलग अलग हम क्या करेंगे LCM करेंगे, पहले क्या करेंगे तीनों का अलग अलग LCM करेंगे और फिर इन तीनों में जो भी कॉमन होगा उसे कॉमन ले लेंगे। इसका 2 का किया तो सर 10, 2 का किया तो कितना आया 5, 5 का किया तो सर 1, यहाँ पर 2 का किया तो सर कितना आया 40, 2 का डिवाइड किया तो सर कितना आया 20, 2 का किया तो कितना आया 10, 2 का किया तो 5 और 5 का किया तो सर 1, 2 का किया तो सर 80, 2 का किया तो सर 40, फिर से 2 का डिवाइड किया 20, 2 का डिवाइड किया 10, 2 का डिवाइड किया तो सर 5 और 5 का डिवाइड किया तो 1। अब इनमें कॉमन पता कर लो, सिंपल सा, बिना लिखे भी तो कॉमन पता कर सकते हैं सर, 1 2 इसके पास में, 1 2 इसके पास में, 1 2 इसके पास, तो वो 1 तो 2 कॉमन आ गया। इसके अलावा सर 1 2 और है सबके पास में तो 1 2 और आ गया सर, 1 सबके पास में, 5 भी सबके पास में तो 1 5 भी आ गया। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, नहीं सर। तो सर इनका HCF निकाल दो फिर, अगर इनका HCF पता करेंगे तो 2 × 2 × 5 × 1 करो, 2 2 4, 4 5 20 तो आंसर कितना आ गया 20। लेकिन सर आपका काम यहीं पे पूरा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या लिखा हुआ था सर, वहां पर तो डिफरेंस पता करना था, अंतर पता करना था। तो सर अब अगर इनका हमें क्या करना है सर, इन क्वेश्चंस का हमें यहाँ पर डिफरेंस भी पता करना है, इनका क्या पता करना है डिफरेंस, या फिर सर इनका अंतर भी पता करना है। लेकिन सर किसका, सर एलसीएम और माइनस एचसीएफ इन दोनों का पता करना है। एलसीएम कितना आया 160, एलसीएम कितना आया 160, एचसीएफ कितना आया 20। तो एलसीएम आया सर 160, एलसीएम कितना आया सर 160, एचसीएफ कितना आया 20, माइनस किया तो सर 140। सर पहला काम पूरा कर दिया हमने, इसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो इनका जो डिफरेंस है ना, ये जो इनका अंतर है वो किसके इक्वल है सर, वो इक्वल है किसी एक संख्या के ट्वाइस, उस संख्या के दुगुने के बराबर है। अब ध्यान रखना कैसे लिखना, ये लिखने का बता रहा हूं, क्या लिखा हुआ है कि सर ये जो डिफरेंस है, क्वेश्चन में यही तो लिखा हुआ है कि सर ये जो डिफरेंस या फिर जो ये अंतर है ना, ये किसके बराबर है, इक्वल या बराबर है किसके, सर उसके दुगुने के। तो 2 मल्टीप्लाई कोई नंबर, कोई संख्या, उसको एनसी लिख दूं, सर ये इसके बराबर है। देखो क्वेश्चन जैसे लिखा हो तो वैसे मैंने लिखा, क्वेश्चन ने क्या लिखा कि सर जो एलसीएम और एचसीएफ का जो डिफरेंस है या जो अंतर है वो एक संख्या के दुगुने के बराबर है, वो ट्वाइस ऑफ ए नंबर, वो ट्वाइस ऑफ ए नंबर, वो एक संख्या के दुगुने के बराबर। तो मैंने संख्या लिखी, संख्या का दुगुना लिखा और उसके बराबर में क्या लिख दिया डिफरेंस, क्योंकि वो उसके इक्वल था, साफ साफ लिखा हुआ था। डिफरेंस कितना है सर 140। इक्वल का नंबर आपको पता है, नहीं सर नहीं पता है। अब याद करो मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि अगर आपको ये पता करना हो तो ये वाला नंबर कहाँ जाएगा सर, ये वाला नंबर ट्रांसफर होके इक्वल के दूसरी साइड चला जाएगा। तो ये नंबर अभी किस में है सर, ये नंबर अभी मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई अगर ट्रांसफर हो जाता है इक्वल के दूसरी तरफ तो किस में चला जाता है सर, डिवाइड में चला जाता है। तो ये 140 के 2 कहाँ पे आ जाएगा सर, डिवाइड में आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगी नंबर। तो बताओ नंबर का
वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, क्योंकि 120 में 140 में 2 का डिवाइड करोगे। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस है वो एक नंबर के ट्वाइस है, वो एक संख्या का दुगुना है, तो मैंने भी डिफरेंस लिखा, इक्वल लिखा और 2 मल्टीप्लाई नंबर लिखा। नंबर पता करना था, मल्टीप्लाई में 2 था, डिवाइड में चला गया तो ये आ गया 70। और डिफरेंस या अंतर क्या होता है सर, माइनस किस किस का, एलसीएम और एचसीएफ का, दोनों का माइनस कर दिया। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था। एक बार आप एक काम करो, अपनी नोटबुक में अब इस क्वेश्चन को बनाओ, अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को आप अभी वापस बनाओ इस क्वेश्चन को, और फिर पता, एक बार के लिए सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को वापस से बनाइए अपनी नोटबुक में, ताकि आप पता कर सको कि सर हमने जो सीखा है हम कितना सीख पाए इस क्वेश्चन को। फटाफट से सभी स्टूडेंट एक बार इस क्वेश्चन को वापस बना लो अपनी नोटबुक में। अब मैं एक बार वापस समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखा हुआ था द डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर 20, 80 एंड 160 इज इक्वल, ध्यान रखना लिखा हुआ है इज इक्वल टू ट्वाइस ए नंबर, यानी उस नंबर का ट्वाइस है, उसके इक्वल कौन है, एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस है, यानी उस संख्या का जो दुगुना है उसके बराबर कौन है, लेस और मेस का अंतर। इसका मतलब सबसे पहले इनका एलसीएम पता करें, तो सर जब हमने 20, 80 और 160 का एलसीएम पता किया, तो सर इसका जो एलसीएम आया है वो 160 आया है, ठीक है, और इसका जो एचसीएफ पता किया तब तब हमारे पास में 20 आया। अब करना क्या था सर, इन दोनों का डिफरेंस पता करना था, इन दोनों का अंतर पता करना था, तो हमने 160 और 20 को माइनस किया तो 140। फिर एक लाइन लिखी हुई थी सर, जो डिफरेंस है वो इक्वल है किसके, ट्वाइस ए नंबर, जो अंतर है वो उस एक संख्या के दुगुने के बराबर है, यानी कि उस इसका दुगुना नहीं है, उस संख्या का जो दुगुना है, उस नंबर का जो ट्वाइस है वो किसके इक्वल है सर, इसके डिफरेंस के इक्वल है, एलसीएम एंड एचसीएफ के। तो सर यहाँ पे डिफरेंस या अंतर जो है वो किसके इक्वल है सर, ट्वाइस ऑफ ए नंबर, तो 2 मल्टीप्लाई n लिखा, n बोले तो सर ये नंबर है, इसके इक्वल कौन है सर, इसका डिफरेंस है, तो 140 डिफरेंस है, इक्वल 2 मल्टीप्लाई n। अब n की अगर वैल्यू पता करनी है तो 2 क्या आ जाएगा, उधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो 140 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा सर, 70, और ये हमारे पास में क्या रहेगा इस सर, इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा, ओके।